तो भाई सर्विस ऐड कर रहा हूँ, एक हाउसकीपिंग की। अब इसके लिए अपने को ये फाइल साइज करना है छोटा, क्योंकि 2 MB से ऊपर की फाइल नहीं ले रहा है। तो ये बहुत सारी ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, या आई लव PDF करके है, बट ये 2.10 करके दे रहा है। इससे अपना काम बनेगा नहीं, अपने को और छोटा चाहिए। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन में मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। एक बारी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है अपने को। देखो 844 का ये हो गया है। लेट्स डाउनलोड इट। देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसमें मैंने चेक कर लिया, क्लियरली विजिबल है। क्लियरली विजिबल है तो इसको मैं अपलोड मार लेता हूँ। कुछ तो दिक्कत आई है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, बट ये PDF होने के बावजूद अपलोड नहीं हो रहा है। न्यू डॉट PDF करके सेव करके देखते हैं। अब हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इसमें मैं डिटेल्स डालूँगा, और जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें यहाँ पर से मैं हाइड कर लूँगा। कस्टमर से पहले से मैंने डिटेल्स ले ली हैं रेट शीट की, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाय द टाइम पहले मैं इसको डाल देता हूँ। ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वैल्यू डालना है, अभी डालना है क्या कब से कब तक का था ये वैलिड। अब डलेगी बायर की डिटेल, मैं आपको दिखाता हूँ रेट शीट में कैसे डाला है। सो सर्विस प्रोवाइडर की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर एंटर की हुई है। देखिए टाइप ऑफ प्रमाइसिस में, टाइप ऑफ प्रमाइसिस आप डाल सकते हैं, उनको कमर्शियल इंडस्ट्रियल के हिसाब से चाहिए था वो मैंने डाल दिया है। टाइप ऑफ सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आप इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। सर्विस कंपोनेंट, इनको क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन का चाहिए था वो मैंने इसमें डाल दिया है। टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा बंदा आपको चाहिए, तो उनको चाहिए था क्लीनिंग स्वीपर और गार्डनर, क्योंकि गार्डन लॉन वगैरह मैनेज करे। फिर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमल रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमल मटेरियल, तो बायर गोना बियर इट, तो बायर का ही यहाँ पर डाला हुआ है। स्टेट जहाँ जहाँ वो सप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्टेट पूरा का पूरा वो कवरेज देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो नहीं रखना चाहते या जिप कोड वाइज नहीं रखना चाहते, तो उसको हमने एम्प्टी कर दिया है। देन फर्दर ये आ गया प्राइस ऑन डिमांड। तो इस पर्टिकुलर रेट शीट में प्राइस जो है एज पर डिमांड ही लगती है, तो बाय डिफॉल्ट उसने प्राइस ऑन डिमांड ले लिया है। अब इसको मैं वैलिडेट एंड सेव कर लेता हूँ, बट इसमें ये सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो क्लिक टू ऐड में जाते हैं, लेट्स सी ये क्या क्या सर्टिफिकेट मांगता है। ऐड सर्टिफिकेट में जाते हैं, सर्टिफिकेट नंबर PF, देखिए क्या मांग रहा है यहाँ पर, आई बटन दे रखा है, वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर द PF एक्ट, ESI एक्ट, लेबर डिपार्टमेंट के जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल लगा के ये सर्टिफिकेट के लिए बात कर देता हूँ। हेलो, ये सर्विस के अंदर ना सर्टिफिकेट भी लगेंगे, जैसे कि PF हो गया, ESIC हो गया, लेबर भाई से साहब आपने लिया होगा लाइसेंस, लेबर लाइसेंस। नहीं, लेबर लाइसेंस तो इसमें जरूरी नहीं है, पीए पीएसआई एफआईआर अपने पास है, चलो भेज दो PF, आपको। हाँ उसका जरा मेरे को PDF भेज दो। ओके, ओके तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे मैंने सर्टिफिकेट मांग लिया है। लेट्स वेट फॉर द सर्टिफिकेट्स। पीपीएफ की कोई एक्सपायरी नहीं होती? साले पागल हैं ये लोग, एक्सपायरी डेट मांग रहे हैं इसमें। तो कंटिन्यू जमा कराते हैं, मैंने पीएफ ये के साथ जमा कराते हैं लेबर का। चलो मैं देखता हूँ क्या करना है। तो भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे मैंने डिटेल्स लेके यहाँ पर भर दिया। अब मैं वैलिडेट एंड सेव करता हूँ। देखिए कैटलॉग सेव हो गया है।
अब ये चले गया अप्रूवल के लिए, अगेन डीएक्टिवेट द ऑफरिंग का ऑप्शन आएगा जो हम कर सकते हैं चाहे तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आपके विचार बताइएगा। ये वीडियो प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर ही पोस्ट होगा, और अगर आपको पेड मेंबरशिप हमसे चाहिए तो 8120812811 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पेड सर्विसेज।